नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कविता आधारित है एक शहीद के अंतिम विदाई पर। स्वर्ग में बैठा एक शहीद अपने दूसरे शहीद साथी से पूछता है कि तुम मेरे अंतिम यात्रा में शामिल थे, बताओ ना वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसा माहौल था जब तुम लोग मुझे मेरे गांव लेकर गए, मेरे घर लेकर गए, और जब मेरी चिता को आग लगाई गई तब तक का सारा हाल बताओ ना मुझे। तो हमने अपनी तरफ से महसूस करके इस कविता को लिखा है। अगर इसमें कोई गुस्ताखी हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। द पोइट्री हाउस की तरफ से इंडियन आर्मी को एक छोटा सा ट्रिब्यूट, आइए सुनते हैं। कि हम जंग जीत चुके थे, तिरंगा लहरा रहा था विजय घोष के साथ, हमारे तीन साथी घायल थे, एक शहीद हो चुका था, फिर भी राष्ट्रगान गा रहे थे पूरे जोश के साथ। हम जंग जीत चुके थे, तिरंगा लहरा रहा था विजय घोष के साथ, हमारे तीन साथी घायल थे, एक शहीद हो चुका था, फिर भी राष्ट्रगान गा रहे थे पूरे जोश के साथ। तुम्हारी देह गोलियों से छलनी पड़ी थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान और मूछें खड़ी थी। दुख तो बहुत हो रहा था, फिर भी सबने तुम्हें सलाम किया पूरे आक्रोश के साथ। दुख तो बहुत हो रहा था, फिर भी सबने तुम्हें सलाम किया पूरे आक्रोश के साथ। कि इस वक्त अगर तुमने अपना दरवाजा खोला तो पूरा रेजिमेंट रो पड़ेगा। कि इस समय अगर तुमने अपना दरवाजा खोला तो पूरा रेजिमेंट रो पड़ेगा, ये बात हम आंसुओं की दुकान से कह रहे थे। हमें ना कुछ खोने का डर है, ना रोने का हक है, हम भारतीय सेना के जवान हैं, बड़े गुमान से कह रहे थे। हम भारतीय सेना के जवान हैं, बड़े गुमान से कह रहे थे। कि कुछ आंसू बहा रहे थे तो कुछ फूल बरसा रहे थे, कुछ आंसू बहा रहे थे कुछ फूल बरसा रहे थे, सब अपने अपने तरीके से सेना के लिए प्रेम दर्शा रहे थे। एक शहीद का ऐसा सम्मान देखकर आत्मा खुशी से जलमग्न हो रही थी, एक शहीद का ऐसा सम्मान देखकर हमारी आत्मा खुशी से जलमग्न हो रही थी। साथ ही साथ तुम्हारी जगह हम क्यों नहीं थे, इस बात की तुमसे जलन हो रही थी। साथ ही साथ तुम्हारी जगह हम क्यों नहीं थे, इस बात की थोड़ी सी जलन हो रही थी। कि मौत आए तो ऐसी आए वरना ना आए, कि मौत आए तो ऐसी आए वरना ना आए, ये विधि के विधान से कहने लगे। अपने वतन के लिए शहीद होना सौभाग्य की बात है, हम सेना के जवान हैं, बड़े गुमान से कहने लगे। हम सेना के जवान हैं, बड़े गुमान से कहने लगे। कि बूढ़ी माता जी पीटने लगी छाती, कि लल्ला हमार जग छोड़ के चले गए। तुम्हारी बूढ़ी माता जी पीटने लगी छाती, कि लल्ला हमार जग छोड़ के चले गए। बिलखने लगे सारे भाई बहन तुम्हारे, कि भैया काहे हमसे मुख मोड़ के चले गए। तुम्हारी बूढ़ी माता जी पीटने लगी छाती, कि लल्ला हमार जग छोड़ के चले गए। बिलखने लगे सारे भाई बहन तुम्हारे, कि भैया काहे हमसे मुख मोड़ के चले गए। कुछ औरतें तुम्हारी बीवी की मांग धो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, सब यही कह रहे थे कि तुम्हारे पिया तुमसे प्रीत की डोर तोड़ के चले गए। कि तुम्हारे पिया तुमसे प्रीत की डोर तोड़ के चले गए। बेसुध होकर पिता तुम्हारे बैठे थे दीवार सहारे, बेसुध होकर पिता तुम्हारे बैठे थे एक दीवार सहारे, जो कभी मेरा बेटा फौजी है मूछे तान के कहते थे। चाह कर भी हम किसी का दुख नहीं बटा पाए, हम सेना के जवान हैं, बड़े गुमान से कहते थे। चाह कर भी हम किसी का दुख नहीं बटा पाए, हम सेना के जवान हैं, बड़े गुमान से कहते थे। अब आगे क्या होने वाला था हम सब भांप रहे थे, तुम्हारे बदन से तिरंगा हटाकर आखिरी बिस्तर नाप रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था हम सब भांप रहे थे, तुम्हारे बदन से तिरंगा हटाकर आखिरी बिस्तर नाप रहे थे। सच कहता हूं, जब तुम्हारे 3 साल के बेटे ने तुम्हें मुखाग्नि दी, सलामी फायर करते वक्त हमारे हाथ कांप रहे थे। जब तुम्हारे 3 साल के छोटे से बच्चे ने तुम्हारी चिता को आग लगाई ना, सलामी फायर करते हुए हमारे हाथ कांप रहे थे। कि तुम्हें अंतिम विदाई देकर हमने तुम्हारे घर से विदा ली, तुम्हें अंतिम विदाई देकर हमने तुम्हारे घर से विदा ली।
तुम्हें अपने चरणों में जगह दे, भगवान से कहने लगी, एक युद्ध खत्म हुआ, अगले युद्ध की तैयारी हो, हम भारतीय सेना के जवान हैं। फिर गुमान से कहने लगे, हम भारतीय सेना के जवान हैं। फिर गुमान से कहने लगे, जय हिंद।